हेलो गाइस, तो आज वीडियो में कोई गेम प्ले के नहीं डालने वाला हूँ। हम पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हम PMCO 2020 क्वालिफायर्स में हैकिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा मीरामार का मैच था जिसके बारे में ये लोग वीडियो डालते हैं। तो ये सेकंड डे था और मैं अभी रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो मुझे अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि मतलब हम पे ऐसी वीडियो बना गई है। मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं था कि हम पे ऐसा कुछ वीडियोस बना रखा है। तो इसी के बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ये बंदा बताता है कि लाइक हम ESP यूज़ कर रहे हैं, एम बॉट यूज़ कर रहे हैं, और हमने मतलब कैसे इनको स्पॉट करा। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में देख लेना, मैं इसको वीडियो दिखा रहा हूँ। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड दिस इज़ नॉट माय गेम प्ले, ये मेरे फ्रेंड है, बैंडिट टीममेट है मेरा, उसका POV है। सो ये मेरा गेम प्ले नहीं है। एंड दिस इज़ आर PMCO 2020 गेम 4 ऑफ डे 1, पिनामार वाला गेम है। और इधर पे हम लोग को मिलते कौन है भाई, हैकर्स। कुछ भी हो जाए पबजी से भाई, हैकर्स आएंगे। PMS में आ सकते हैं तो इन गेम क्वालिफायर्स क्या बात है भाई, उसमें तो ऑफकोर्स आएंगे। तो इधर पे ये लोग ड्रॉप पे जाते हैं, हम लोग इनका लोकेशन देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, मैटली मतलब रोटेशन नोटिस करते हैं कि ये लोग रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग को रोटेशन देखते हैं, हम लोग अपना TPP लेके उनका रोटेशन देखते हैं। फिर भी ये बंदे भाई, हम लोग उनको अपना पोजिशन पहले नहीं देते, ये लोग भाई हम लोग को स्पॉट कर लेते हैं 300 मीटर से। और एक बंदा फ्लैंक कर देता है लोग का शैक पे। सो हम जोन कटने के पहले मैं वेयर हाउस वाले अपना जो वेयर हाउस रहता है उधर आगे का, उधर पे जाने वाला था, लेकिन ये बंदे दिख जाते तो हम लोग इधर होल्ड करते, सोचते किल्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये बंदे भाई, ये बंदे निकलते ESP हैकर। तो आप देख सकते हैं इधर पे, अभी मैं डाउन होऊंगा ये लोग से, और डाउन होने के बाद ये लोग पुश कर देते हैं। तो पुश करेंगे, देखो मेरे को एक बंदा फ्लैंक करा रहता है, मेरे को मालूम ही नहीं रहता, वो बंदा फ्लैंक करके नॉक करता है मेरे को। ये बंदा हैक नहीं कर रहा है, ये बंदा अच्छा खेलता है, मतलब नॉर्मल प्लेयर है। और ये बंदा ना हैक, जो ESP हैकर है इनका, वो उसको लोकेशन दे रहा है और ये मार रहा है सिंपल। तो इधर पे मेरा फ्रेंड बैंडिट ये नॉक हो जाता है LS चैम्प से। ये LST चैम्प, ये मेन ESP हैकर है, और ये बंदा एमबॉट यूज़ कर रहा है। इधर पे ये मर जाता है मेरा फ्रेंड, हम लोग को पे पुश होता है, मैं नॉक होता हूँ तो रिवाइव होता हूँ, फिर मेरे को पीछे से वापस वो होती है। अब बैंड ये मैसी फॉल बैक करता है, लेकिन मैसी को भी मार देता है इधर पे। तो एज यू कैन सी, हम लोग को ये वाइप कर देते हैं। अब बंदे ये लोग रहते हैं हैकर, ये लोग लेजिट हैकर रहते हैं, ऑल चैट पे सब लोग इनको हैकर हैकर बोलते रहते हैं। तो अभी मैं इनको आपका रोटेशन बाकी सब दिखाता हूँ, ये लोग बंदे को कैसे मारते हैं, बाकी रोटेशन वगैरह जो नूबड़े लोग हैं क्या रोटेट करेंगे इनकी, क्या ही बोलूँ ये लोग को। हर एक गेम में हैकर्स मिलते हैं भाई, इधर पे भी देख लो। नहीं उधर लेफ्ट पे बंदा है, वरना सो भाई लोग रोटेट करके आ जाते पिंक ऑटो के हिल टॉप एरिया पे, और उधर पे मस्त अपना बंदा ये भाई 60 की लॉबी होती है PMCO 2020 में। मेरे को बोलो 47+ किल्स कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है सैनॉक का जैसे मैप में, छोटे मैप में 47+ किल्स। भाई हमारे जो मैच है पहले वाले में हम लोग #2 आए, उसमें हमारे थे 11 किल्स, वीकेंडी में जीते उसमें आए 15 किल्स। अगर लेजिट रोटेशन जैसा खेले, बंदे ही नहीं मिल रहे थे भाई, रोटेट में बंदे मिले तो भी हर जगह से बंदे, तो एक जगह फाइट लेके बाकी दूसरे बंदे मार देते हैं, होता ही नहीं है किल्स। और ये लोग भाई मस्त 47 किल्स, 40+ किल्स कर रहे हैं भाई। PMWL जो भी टीम खेल रही है उनको ला दो ये मैच में भाई, कोई भी 40+ किल्स नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर ऐसा कर दिए वो लोग, मैं तो भाई गेम ही छोड़ दूंगा ये 60 की लॉबी में। भाई इतनी टीम्स रहती है, 60 बंदे रहते हैं, 60 बंदे रहते हैं, एक 4 बंदे मिलके कैसे 47+ किल्स कर सकते हैं। और ऑल चैट पे देखिए आप सब लोग हैकर्स हैकर्स कर रहे हैं, जो भी मरे सब लोग बोल रहे हैं ESP हैकर्स। भाई ESP हैकर से ही है लोग, आपको अभी एंडिंग में ये लोग भी हैकर से ही मरते हैं। वो बंदा खाली ऐसा बैठ जाएगा और स्प्रे करेगा, हेड लगते जाएगा। ये लोग लास्ट में मरते भी दूसरे हैकर से, लेकिन वैसा रहता है ना, जो जैसा करेगा उनको वैसा ही मिलेगा। ये लोग के साथ भी वैसा हुआ, चिकन डिनर नसीब भी नहीं हुआ ये लोग को, ये लोग खुद भी हैकर से ही मरते हैं, नुबड़े 1v3 हो जाते हैं। तो भाई ये कुछ नहीं है, बस यही है PMIS 2020 में ऑनलाइन गेम क्वालिफायर में हैकर्स मिल गए थे, तो इधर इन गेम क्वालिफायर से ये तो PMCO का। और ये PMCO 2019 में भी यही हुआ था, लेकिन PUBG मोबाइल ने कुछ नहीं किया था भाई, कुछ भी नहीं किया था। वो लोग ने मस्त हैक किया था, बाद में वो क्रू जो भी था टीम में सेल कर देते थे हैकर्स लोग। ये लोग का हमेशा का ऐसा ही रहता है, इससे पैसा कमाते, पता नहीं कितना पैसा कमा लेते इससे नूबड़े, इतना पता नहीं मेरे को, ही नहीं पता कितना कमाते रहेंगे नूबड़े। बस यही है भाई PMCO। और नॉटविन गेमिंग का तो कुछ बोलो ही ना, जो लेजिट टीम थी उनको भी हैकर बोल के PMS से निकाला, और जो हैक कर रहे थे बंदे उनको, उनके वजह से जो टीम का लॉस हुआ उनको कौन देगा भाई, वो लोग भी तो ग्राइंड करके आए थे ना, उनका क्या होएगा भाई, ये लोग को क्या ही बोलने का। और नॉटविन गेमिंग भाई ESL जैसा टूर्नामेंट को इतना हार्ड कर दिया भाई, 4 राउंड 5 राउंड का टॉप 4 में आओ, इतना मुश्किल भाई।
क्या है भाई, जो बंदे 3 राउंड में टॉप फोर करके आ रहे, नॉकआउट कर रहे, वो लोग भाई रहेंगे ना लेजिट, मतलब अच्छे बंदे रहेंगे तो ही उतना आ रहे हैं ना भाई। तो थर्ड राउंड में एटलीस्ट उनको 2 मैच दो, थर्ड राउंड नहीं फोर्थ राउंड में तो दो मैचेस भाई। आप लोग इतना नॉकआउट क्या है भाई, 5 राउंड 4 राउंड तक नॉकआउट, टॉप 14 इतना गंदा भाई। ऐसा तो रहेगा तो इनवाइटेड टीम्स ही खेलेगी हर मैचेस, तो ऐसा ही कर दो ना, पीएमसीओ इनवाइटेड टीम्स ही खेलेगी, पीएमएस सब जो, और इनवाइटेड टीम्स खेलेगी जो भी है इंडिया की बाहर की सब, ऐसा ही कर दो। खेल के मतलब ही क्या भाई, फालतू गेम गेम। एक तो भाई पहले अपना टाइम निकाल के इसमें टाइम दो, हर मैचेस खोलो, स्क्रीम्स खेलो भाई, 6 6 7 7 स्क्रीम्स खेलो, 4 4 5 5 स्क्रीम्स खोलो रोज़। टाइम नहीं रहता उसमें से, टाइम निकाल के ग्राइंड करो अपना। फिर ये जो नॉर्मल मैचेस रहते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट मैचेस रहते हैं जिससे क्वालिफाई होगा, हाँ भाई थोड़ा तो मिलेगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन उसमें भी हैकर्स मिलते हैं भाई। इसमें कैसा क्वालिफाई होगा बंदे भाई, ये नोबड़े लोग हैक कर रहे हैं, मारते बंदे और खुद भी हैकर से ही मरेंगे, ऐसा रहेगा तो मतलब ही क्या भाई। बोलो अंडरडॉग का कुछ बोलो ही मत, ऐसा कि चांस मिलता है वांस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, हर एक जगह हैकर्स आते हैं। पीएमसीओ का 2019 में भी सेम यही हुआ था, कुछ ही नहीं हुआ। अभी पीएमएस में भी सेम हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी ये सेम पीएमसीओ में भी चल रहा है, पबजी कुछ नहीं करेगी। लोगों को बात करना है, ऑनलाइन क्वालिफायर क्वालिफायर में जब भी होएगा स्ट्रीम उसमें निकाल देंगे, तभी प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा कि हैकर्स है, तभी नहीं मालूम पड़ा। रिपोर्ट करो भाई, हमेशा रिपोर्ट करते हैं, ये रिपोर्ट हर बार रिपोर्ट करते हैं। इतना अगर अच्छा रहता तो रिपोर्ट मास रिपोर्ट है, इतने बंदे स्क्रैच करते, रिपोर्ट करें, टैच क्यों नहीं हुआ इतने जल्दी वो बंदा। तो यही था गाइस, जैसा कि आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी भाई, इसने आप देख सकते हो कैसे कैसे एलिगेशंस लगाए हम पे। मैंने एक एक पॉइंट देख लिया भाई तेरा, तू क्या क्या बोला है हम पे, ठीक है। ESP USP 100 300 मीटर्स, ESL और अंडर डॉग्स और रिपोर्ट, मास रिपोर्ट भाई। तो पहली बार बताता हूँ, चल तेरे स्टार्टिंग से पॉइंट से शुरू करते हैं भाई। ये बंदा कहता है कि हमने इनको 300 मीटर से कैसे स्पॉट कर लिया। पहले तो भाई नूप सुन, तू बैठा कहाँ है पहले ये देख भाई, ये हसेंडा में बैठा है। अगर गाइस आप ही देख लो, अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जहाँ पे आपको किल्स मैटर करते हैं, आपको बंदे ढूंढ के मारने, तो आप हसेंडा जैसी जगह चेक नहीं करोगे मेरा मार में, आप खुद ही बताओ, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है हमने वो कर दिया भाई, हमने जब इसको नॉक करा है बंदे को, तो हम लाइक ऑब्वियस ही बात है, ये इसको ये छत रूफ पे लेटा हुआ है यार, ये ऐसा भी नहीं कि घर के अंदर है, ठीक है, ये रूफ पे लेटे हुए हैं भाई, बंदे स्पॉट हो जाते हैं। तो जो ये फ्लैंक व्लैंक की बात कर रहे हैं ना भाई, सुनो, तो जैसे हमने तुम्हारा एक बंदा नॉक करा तो हम भाई क्यों ना मारे फ्लैंक भाई, हम ये बता, अगर हम कोई स्क्वाड मारनी है तो हम फ्लैंक मार, और वैसे भी हम थर्ड पार्टी करने आए थे पूरी, क्योंकि तुम्हारी किसी से फाइट चल रही थी आई गेस, ये तुम्हारे नीचे हमें 2 या 3 बंदे स्पॉट हुए थे, मतलब स्पॉट कर जब तुम पे हम क्लोजिंग कर रहे थे, जब जो सो कॉल्ड तुम फ्लैंक बोल रहे हो, ठीक है, हम तुम पे क्लोजिंग कर रहे थे, तो हमने तुम्हारे नीचे बंदे स्पॉट करे और तुमसे पहले हमने उन 3 बंदों को मारा है, ठीक है। अगर तो भाई तेरे पे दम है ना, तो तू पूरा POV दिखा कि हमने क्या क्या करा है, ठीक है। तो हमने इनको इनसे पहले एक और बंदे मारे थे, तो उन बंदे मारने के बाद हम इनके नीचे रुके और इनने हमारा एक बंदा जो LST चैन की बात कर रहे हैं उसको नॉक भी करा था, तो हमने वहाँ पे लाइक स्मोक एंड ऑल करके हमने सिचुएशन कंट्रोल में ले ली थी। ये लोग पुश कर रहे थे, मतलब ये लोग पास आ रहे थे फिर वापस दूर जा रहे थे, तो हमने पूरा स्मोक्स कर दिया था आजू बाजू अपने, जिससे पुश नहीं कर पाए। और इतने में हमारे जो जॉर्जियन थे उसने एंगल निकाल के इनका एक बंदा जो आपने देखा होगा वीडियो में नेट से नॉक कर दिया था, फिर हम लोगों ने इनको पुश करके मार दिया था वहाँ पर, ठीक है। और जैसे तू बात करें ना भाई, 47 किल्स होते हैं तो हैकर भाई, और भाई वो तो बात सही कह रहा है कि जो बंदा 47 किल्स कर रहा है वो हैकर ही होगा, बट तू भाई ये बात बोलने के बाद तू एक बार ये तो देख कि हमारे कितने किल्स चल रहे हैं इसमें, तू पहले एक बार ध्यान से देखना हमारे कितने किल्स हैं, फिर उसके बाद बताना भाई तूने क्या बोला है, ठीक है। और ये अलग अलग टूर्नामेंट्स के बारे में अपना जजमेंट पास करता है, तो भाई तू एक बार देख ले, तू ESL की बात कर रहा है, ये कोई मतलब लाइक 10K या 50K टूर्नामेंट की कोई वो नहीं है, ESL है भाई, ये मतलब इंडिया में बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, अमंग द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स में से आता है, तो भाई उसमें तू क्वालिफाई करेगा, फाइनल्स में पहुंचेगा, वो इतना इजी नहीं है भाई, जैसा तुम लग रहा है कि 1 2 मैच खेलोगे फिर उसके बाद ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ नॉकआउट्स भाई ऐसा नहीं है, टफ है, बट तू भाई तू ये भी तो देख, तू कितने बड़े प्लेटफॉर्म में जाने के, मतलब ESL के बाद तेरा पूरा ई स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट हो सकता है अगर तू ESL में अच्छा परफॉर्म करे,
तो उस प्लेटफॉर्म को तू एकदम से अचीव नहीं कर सकता ना इतने इजीली, तुझे ग्राइंड तो करना पड़ेगा बहुत उसमें। मतलब लोग नहीं आते हैं क्या टॉप फोर, तुझे का बता, कोई टीम्स नहीं निकलती अंडरडॉग ESL से। और इसके आगे ये बोलता है कि जो हम लास्ट में बंदे जिनने हमें मारा वो भी है करते। अब बताओ भाई, ऐसे तो बंदे हैं लाइक जब हम मरे ना उनसे तो हमने खुद नहीं कहा कि वो हैकर थे, हमने बोला कि वो लोग कैंपर्स थे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं वो आगे पीछे कैंप कर रहे होते हैं स्टेयर्स में, ठीक है। बट भाई इनने अपना इतनी जल्दी जजमेंट पास करा कि जिससे ये मरे वो भी हैकर थे, क्योंकि वो हेड हेड बचा रहे थे। लाइक ये भाई ये उन लोगों में से आते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई मैं बंदा नहीं मार पाया, लैग हो गया, वो इस बंदे ने अच्छा मार दिया, इसने हेडशॉट मार दिया, ये हैकर है, तो ये उन बंदों में से आते हैं। सो गाइस, फिर लास्ट में ये भी कहते हैं कि ये हमें रिपोर्ट करें, हमें रिपोर्ट करो कि इनको सब बंदे सब बंद ऑल पे सब बंदों से ऑब्वियसली कह ही रहे होंगे भाई जैसे इनकी हरकतें दिख रही है, कि इनको रिपोर्ट करो, ये सब करो। तो भाई तुम कर लो यार रिपोर्ट, ऐसा करो तुम कर लो, तुम रिपोर्ट ही कर लो और माफ़ करो और मुझे छुट्टी दो, ठीक है। ये डायलॉग भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जमेगा यहाँ पे। तो अब भाई देखो, साफ की बात है, अगर तुझे लगता है ना भाई हम हैक कर रहे हैं, तो मेरे जो रीसेंट कंटेंट जो मैंने डाल रखा है वीडियोज़ वीडियोज़ गेम प्लेस के देख रहे हैं भाई, उसको ध्यान से बैठ और देख क्या कर रहे हैं उसमें हम, ठीक है। तुझे थोड़ा सीखने को तो मिलेगा, तुझे कम से कम ये तो पता लगेगा हर सेंड में अगर तुम रूफ में बैठोगे तो भाई स्पॉट हो जाओगे, तुम्हें ये पता लग जाएगा। कम से कम तुम दूसरी वीडियो तो नहीं डालोगे कि हैकर ने मार दिया, वी गॉट किल्ड बाय हैकर, और व्यूज छापोगे PMC भाई, सही है। सो गाइस, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस वीडियो में, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर जो जो लोग इस ये मेरी बात सुन रहे हैं भी, उनके लिए भाई थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो भाई ये डिज़र्व भी नहीं करता यार, इसके बारे में और क्या बताऊँ भाई। गाइस मैंने तुम्हें दिखा दिया, मैं POV रिकॉर्ड नहीं करा, ये मेरी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था PMCA क्वालिफायर पर। बट भाई मैं आज से सारे गेम रिकॉर्ड करूँगा और होप मैं आपको बता सकूँ किल्स लेते हैं, तो भाई लेजेंड बंदे भी किल्स ले सकते हैं, ठीक है भाई प्रो, लेजेंड बंदे भी किल्स ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ ऑसम कंटेंट्स देखने हैं तो आप मेरे मतलब चैनल को देख सकते हो, नीचे कुछ वीडियोस हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, कुछ क्या मतलब सारी वीडियोज़ हैं यार आपको अच्छी लगेंगी। सो सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, मैं जाते जाते एक चीज़ कहने वाला हूँ कि हम 200 सब्सक्राइबर्स से बहुत पास, लाइक हमें 8 या 9 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं एक ऑसम सा मॉन्टाज रेडी रखा है मैंने, बस मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि 200 जैसी हूँ वैसी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, तो जल्दी से 200 सब्सक्राइबर करा दो हमारे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय। सो ये है वो यूट्यूबर जिसने ये मतलब हमारे अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए हैं, तो आई होप आप मतलब स्पैम कर दो इसके उसमें और इसको मजबूर कर दो कि ये मेरा POV देखे। इसको पता लगना चाहिए कि भाई तुम किसी पे भी ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो। तो गाइस माना हमारा थोड़ा जो बेस है अभी मेरी फैमिली है बहुत छोटी है, बट जितनी भी है बहुत अच्छी है, तो गाइस प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दो और स्पैम कर दो कि उसमें मतलब ये इसको ये दिखना चाहिए कि वीडियो मैंने बनाई है, और इसको दिखना चाहिए कि हम लोग हैकर नहीं है और ये किसी पे भी ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग अगेन भाई, मैं कितनी बार बोलूँगी, चलो कोई नहीं, अगेन वापस थैंक यू एंड थैंक यू, बाय।